ठीक है जो रीडिंग में डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको पता करना है वो डिफरेंस को हम सब इरर भी कहेंगे ठीक है यही इरर या डिफरेंस या सिंपली एस ठीक सर वो एस को हमें पता लगाना है तो देखिए क्या क्या करना है पहला फॉर्मूला याद कीजिए दो ही फार्मूला इसमें यूज होते हैं आर इज इक्वल टू एन एल डी और दूसरा फार्मूला है ए जिसे हम सेंसिटिविटी uh, कहेंगे ए डैश इज इक्वल टू एल बाई आर यही दो फॉर्मूला को यूज करना है ठीक है इसमें तो देखिए क्या क्या दिया गया है आपको गिवन दैट ठीक है पता लगाएंगे आपको सेंसिटिविटी दिया गया है सेंसी ठीक है जिसे हम अल्फा डैश से डोनेट करते हैं आपको पता है इज इक्वल टू थर्टी सेकेंड्स थर्टी सेकेंड्स को आप थर्टी डिवाइडेड बाई 206265 में डिवाइड कीजिए ये आपको रेडियन में मिल जाएगी रेडियन फिर है पर टू एम डिवीजन, द लेंथ ऑफ वन डिवीजन, लेंथ ऑफ वन डिवीजन एल इज इक्वल टू टू एम एम इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई ज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू मीटर इरर इरर इन स्टाफ रीडिंग या इरर इन टू रीडिंग्स ठीक है या इरर इन स्टाफ रीडिंग्स जिसे हम सब एस से डोनेट करते एस इज इक्वल टू वाट ठीक है और डिस्टेंस, डिस्टेंस बिथ्वीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ दिया गया है एक से डिस्टेंस तो डिस्टेंस डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इज इक्वल टू तो वन हंड्रेड फिफ्टी मीटर कॉस्ड बाय अ बबल टू डिविजन्स आउट ऑफ द सेंटर सेंटर से दो डिवीजन आउट ठीक है अर्थात नंबर ऑफ डिवीजन इसमें दो है ठीक है नंबर ऑफ डिविजन्स नंबर ऑफ डिविजन्स स्मॉल यन इज इक्वल टू टू तो पहला आप ये फार्मूला लगाइए ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको यल जो आर है आर की वैल्यू प्राप्त होगी ठीक है तो वी हैव सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एल वाई आर और आर इज इक्वल टू और रेडियस इज इक्वल टू एल बाई ए ठीक है इज इक्वल टू एल बाई ए डैश एल कितनी है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू डिवाइडेड बाई ए 30 डिवाइडेड बाई टू ज़ीरो सिक्स टू सिक्स फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो टू इंटू टू जीरो सिक्स टू सिक्स फाइव डिवाइडेड बाई थर्टी ठीक है ये आर की वैल्यू है मीटर में अब देखिए अगेन आपको क्या पता है कि आर इक्वल टू एन एल डी डिवाइडेड बाई यस ठीक है और और आपको ये एस पता करना है और yes, yes, yes यस S इज यस मीन्स इरर ठीक है या डिफरेंस बिटवीन टू टू रीडिंग्स एस इक्वल टू एन एल डी डिवाइडेड बाई आर ठीक है इक्वल टू करेंगे एन की वैल्यू टू है यल की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो टू है ठीक है डी की वैल्यू क्या है 150 फिफ्टी डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू आपको 0.002 पॉइंट ज़ीरो डिवाइडेड बाई थर्टी ये थर्टी ऊपर चला जाएगा ठीक है इज इक्वल टू क्या करेगा टू इंटू जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू इंटू वन फाइव जीरो इंटू थर्टी डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट ये नीचा जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू इंटू टू जीरो सिक्स टू सिक्स फाइव इज इक्वल टू आपको वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो फोर थ्री सिक्स जीरो पॉइंट जीरो फोर थ्री सिक्स मीटर ठीक है हेंस आप लिखिए हेंस द डिफरेंस बिटवीन टू स्टाफ रीडिंग्स और द ईर द ईरर इज जीरो मीटर ठीक है जब आप बबल को दो डिवीजन जब सेंटर से बाहर कर दीजिए तो ये फर्क ये ईर होती है ठीक है तो ये ईरर को आपको रीडिंग में से जब आप घटाएंगे तो आप करेक्ट रीडिंग ले सकते हैं ठीक है फिर अगले सोल्यूशन में हम सब चलेंगे अगले न्यूमेरिकल के